दिलीप घोष को हटा के डॉक्टर सुकांत मजुमदार को बनाया गया बंगाल बीजेपी के नए अध्यक्ष। सोमवार रात को एक पत्र माफिक यह जारी किया गया कि बंगाल बीजेपी के अब नए अध्यक्ष बनेंगे डॉक्टर सुकांत मजुमदार। डॉक्टर सुकांत मजुमदार जो बालूरघाट से सांसद हैं, उनको बनाया गया राज्य सभापति। दिलीप घोष से जब सवाल पूछा गया, उन्होंने कहा कि उन्होंने खुद नाम प्रारित किए थे जिसमें सुकांत मजुमदार के भी नाम थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उनका नाम चयन किया और उन्हें राज्य सभापति नियुक्त किया। हम उनको अभिनंदन जताते हैं। दिलीप घोष जी ने यह भी कहा कि हमारा अनुभव ज्यादा है, इसलिए हमें अभी नेशनल वाइस प्रेसिडेंट के दायित्व सौंपा गया। सुकांत मजुमदार से सवालात के तौर पर जब पूछा गया, उन्होंने कहा कि हम और दमखम से काम करेंगे। पिछले चुनाव में हमारा स्ट्रेटजी का कुछ गलती था, इसलिए हम जीत दखल नहीं कर पाए, लेकिन आने वाले दिनों में हम सब साथ एक साथ मिलकर काम करेंगे। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि उत्तर बंग और दक्षिण बंग को नेतृत्व देने के लिए दोनों तरफ से एक दमखम वाले नेता को चुना गया। जॉन बरला से सहित बहुत सारे सांसदों ने उत्तर बंग को वंचित दिखाने की कोशिश की थी, और वही उत्तर बंग से एक सांसद को राज्य सभापति बनाना यह बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। दक्षिण बंग से शुभेंदु तिवारी और उत्तर बंग से सुकांत मजुमदार, दोनों का नेतृत्व बीजेपी का जो अभी हाल है वो संभालने में कामयाब हो सकते हैं, इसको मानते हैं राजनयिक महल। राजनयिक महल का यह भी मानना है कि संघ और राजनीति के तालमेल बनाते हुए भी एक स्वयंसेवक को राज्य सभापति के पद सौंपा गया, क्योंकि अभी का जो राज्य सभापति बने हैं वो भी स्वयंसेवक है और दिलीप घोष भी स्वयंसेवक थे, तो इसीलिए नए दल से आए हुए शुभेंदु तिवारी और स्वयंसेवक सुकांत मजुमदार दोनों को एक साथ रख के संघ और बीजेपी का भी तालमेल बनाने की एक कोशिश किया गया है।